हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल सिज्जी व्लॉगर ममता। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मुर्रा भेल की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और बिना गैस चूल्हा जलाए आप इसे बनाने वाले हो आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिख रहा है तो आइए देख लेते हैं मुरमुरे भेल बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो हमें मुर्रा चाहिए होगा, मुर्रा जिसे आप लोग मुरमुरे के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ देखिए, ये एकदम बढ़िया सा जो हमारे गाँव के साइड पर मिलता है ना, वो वाला मुर्रा है। एक वाइट वाइट वाला मुर्रा आता है जो कि पूरा वाइट रहता है, पर उसका टेस्ट कुछ अलग होता है और इसका जो टेस्ट होता है ना बहुत बढ़िया होता है। तो ये हमारे गाँव साइड ये बनाया जाता है, वही मुर्रा है। यहाँ मैंने एक टमाटर चॉप कर लिया है बारीक, एक प्याज मैंने बड़ा साइज का चॉप कर लिया है। यहाँ मैं सेव ली हूँ, और सेव मतलब मिक्सचर है वो मिक्स वाला, हरी मिर्ची, और ये है ककड़ी जिसे आप किस नाम से जानते हैं, मैं तो ककड़ी के नाम से जानती हूँ। ककड़ी जो आती है ना ग्रीन ग्रीन पतली पतली वाली, वही ककड़ी है। और एक लेमन लिया है पूरा, और यहाँ मैंने लिया है टोमेटो केचप। और मसाले में हम लेंगे मसाले मतलब नमक और लाल मिर्च का पाउडर और चाट मसाला। बस इतने से चीज़ों में बहुत ही टेस्टी भेल बन के रेडी हो जाएगी। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। और ये जो है ना बिना आपको गैस चूल्हा जलाए ऐसी बन जाने वाला है और बहुत टेस्टी सा बनेगा। तो आप लोग देखिए किस तरीके से मैं बना रही हूँ, और बहुत ही हेल्दी भी होता है, आप लोग भी बनाते होंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ मैंने ऐड किया है जो टमाटर और प्याज हमने चॉप करके रखा था वो, तो दोनों को मिक्स कर दे। इसके बाद हम हरी मिर्च ऐड कर रहे हैं। हरी मिर्च अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्किप कीजिए, क्योंकि बच्चे मिर्च नहीं खा पाएंगे। और यहाँ देखिए मैं ले रही हूँ ककड़ी, तो इसे भी मैंने बारीक बारीक कट कर दिया था, तो इसे भी डाल दिया मैंने। बहुत अच्छा लगा सच में ककड़ी डाल के। आप चौथो अनार के दाने या खीरा को भी बारीक बारीक चॉप करके ऐड कर सकते हो। तो मेरे पास जो है अनार नहीं थे, तो मैंने यहाँ ककड़ी ऐड कर दिया। और इस तरीके से आप इसे बढ़िया से मिक्स कर दीजिए, बहुत अच्छा लगता है। और आराम से आपको मिक्स करते जाना है इसको। तो यहाँ देखिए फ्रेंड, बढ़िया से मैंने कर दिया है मिक्स। मिक्स करने के बाद अभी हमें क्या करना है, इसमें हम डालेंगे टोमेटो केचप। अगर आपको फ्लेवर पसंद नहीं तो मत डालें, पर बहुत अच्छा लगता है इसमें, क्योंकि खट्टे होते हैं नींबू अगर आप डाल रहे हो, मिर्ची डाल रहे हो, तो थोड़ा सा टोमेटो केचप अगर डालोगे तो इसका जो फ्लेवर आता है ना बहुत बढ़िया आता है सच में। तो यहाँ मैं एक चम्मच के आसपास डाल रही हूँ, आपको जितनी भी पसंद है उसके हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, पर इतने भी मतलब मुर्रे के लिए इतना जो है काफ़ी है। तो बढ़िया से मिक्स कर देंगे उसके बाद। और ये देखिए, थोड़ा सा बड़ा बर्तन लेना था, पर कोई नहीं, अभी इसी में मैं मिक्स कर दूँगी। तो ये देखिए, आहिस्ते आहिस्ते आपको मिक्स करना है और सॉस को थोड़ा मिलाते हुए मिक्स करना है, ताकि इसका कोट जो है ना सभी मुरमुरे में चले जाए और सभी मुरमुरे में बढ़िया सा इसका फ्लेवर आए। तो बस इसे मिक्स करना ही मेन है, सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स करना होता है। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने मसाले लिए हुए हैं। नमक तो आपको डालना ही डालना है, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और मैंने जो मिर्चा लिया उसमें भी नमक है, मतलब नमक होता ही है, तो इसलिए थोड़ा सा कम ही डालेंगे। चाट मसाला डालने से इसका टेस्ट दुगना हो जाता है, तो चाट मसाला ज़रूर डालें। और ये देखिए चाट मसाला और लाल मिर्च पाउडर, अगर आप तीखा कम पसंद करते हैं तो मत डालें लाल मिर्च का पाउडर। यहाँ मुझे स्पाइसी और तीखा पसंद है, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर, और इसे कलर भी काफ़ी अच्छा आता है। और यहाँ एक नींबू हम पूरा जो है इसमें डाल देंगे, नींबू से तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, और जो है गर्मियों में तो नींबू खाना ही चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। और यहाँ देखिए इस तरीके से हम जो है नींबू को डाल देंगे, रस को नींबू के, और फिर इसे बढ़िया से मिक्स कर देंगे इसे। तो इस तरीके से आप ऐसे भी डाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल के और छलनी से छान के बीज को हटा के आप डाल सकते हो, क्योंकि बीज जब जाता है तो बहुत कड़वा लगता है। तो ये देखिए यहाँ मैंने नींबू भी डाल दिया, और इसे बढ़िया से मिक्स कर देते हैं। इसके बाद हम ऐड कर देंगे मिक्सचर। मिक्सचर की जगह अगर आपके पास भुजिया है, सेव है, तो वो भी आप डाल सकते हो, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इसके बिना भी आपकी जो मुर्रा भेल है बहुत टेस्टी बनेगी। तो यहाँ मैंने मिक्सचर को ऐड कर दिया है, और इस मिक्सचर की क्वांटिटी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं रखी है, क्योंकि हम मुरमुरा भेल बना रहे हैं तो मुरमुरा की जो क्वांटिटी है ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये देखिए इस तरीके से हम मिक्स कर देंगे, और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ सर्व करके, बहुत टेस्टी बनी थी सच में। और ज़रूर से इस तरीके से ट्राई कीजिएगा, और कौन कौन इस तरीके से बनाता है ज़रूर से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तो कैसे लगी आपको मेरी रेसिपी ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और फ्रेंड्स फ्रेंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे होगा क्या कि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा और आप मेरे कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाओगे। तो यहाँ मैं सर्व कर रही हूँ सर्विंग बाउल में और बहुत टेस्टी बनी थी। तो चलिए ओके बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये भुजिया डाल के या मिर्चा डाल के आप सर्व कीजिए और स्टे होम स्टे सेफ, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।